हे हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों बहुत से बच्चों को लगातार डाउट आ रहे थे, मैंने आप सभी से कहा है कि आपका काम सिर्फ पढ़ाई करना है, क्योंकि इस एग्जाम का जो समय बहुत कम बचा हुआ है और ऐसे में अगर आप इधर उधर अपना ध्यान भटकाएंगे दोस्तों तो आप पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। अच्छे से पढ़ाई कीजिए ताकि आप अपने आप को दिखा सके कि जो भी नंबर आपको दिया गया आप उससे कहीं अच्छा डिजर्व करते हैं और आपने वो करके दिखाया, तभी तो आपको लोग मानेंगे। तो ये सारी चीज आपको लेकर चलनी है दोस्तों। बहरहाल बहुत से बच्चे के मैसेज आ रहे थे तो मैं वो डाउट क्लियर करने वाला हूँ आपको। जैसे बहुत से बच्चे प्रश्न कर रहे थे, नंबर वन डाउट ये था कि सर यदि हमने री एग्जाम के लिए अप्लाई कर दिया है और री एग्जाम देने के लिए हम ना जाए तो क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने री एग्जाम के लिए अप्लाई किया है तो आपको री एग्जाम देने के लिए जाना चाहिए। अगर आपको कोई एग्जाम देना ही नहीं है तो आप री एग्जाम के लिए अप्लाई क्यों कर रहे हैं। आप अपने नंबर से संतुष्ट रहिए जो आपके पास पहले से मिला हुआ रिजल्ट के दौरान, ठीक है। तो जिन भी छात्रों द्वारा री एग्जाम के अप्लाई किया गया है तो मैं उनसे विनती करता हूँ एग्जाम में अपियर हों, ठीक है। किसी कारण वजह से अगर आप एग्जाम में अपियर नहीं हो पाते हो, मान लो आपने दो एग्जाम में अपियर हो, तीसरे एग्जाम में तीसरे पेपर में आप अपियर नहीं हो पाते सब्जेक्ट में, तो वो जो तीसरा सब्जेक्ट है दोस्तों उस सब्जेक्ट नंबर जो आपने जो एग्जाम दिया है दो पेपरों का उसका एवरेज निकाल कर उसमें ऐड कर दिया जाएगा। ये है बच्चों की बहुत सारी कन्फ्यूजन थी, तो आई होप ये डाउट आपका क्लियर हो चुका होगा। बहुत से बच्चों का एक डाउट ये भी है कि सर जो है एग्जाम सेंटर जो है कहाँ पड़ेगा। तो मैंने आप सभी से पहले भी कह दिया एग्जाम सेंटर जो पड़ेगा वो होगा आपके कोरोना के डिपेंड पर, यानी कोरोना की सिचुएशन जैसी होगी उसी के आधार पर आपका सेंटर पड़ेगा। लेकिन आपको सभी को पता है कि पिछले 28-24 घंटों में भारत में 38,000 से ज्यादा कोरोना केसेस आ चुके हैं, इसलिए सीबीएसई दोस्तों अभी तक एडमिट कार्ड जारी नहीं की। हो सकता है कल या परसों तक एडमिट कार्ड जारी हो जाए, क्योंकि सीबीएसई के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि इस कोरोना के संकट काल में एग्जाम को कैसे हैंडल किया जाए। क्योंकि इसी कोरोना की वजह से ही पहले भी एग्जाम आपके कैंसिल हुए थे जिसका रिजल्ट आपके सामने भी आ चुका है। तो अब दोबारा से कोरोना केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, जहां जहां स्कूल खुले थे वहां वहां अब स्कूल बंद होने शुरू हो चुके हैं और वहां पर कोरोना केसेस की संख्या भी ज्यादा हो चुकी है। कर्नाटक में देखे स्कूल खुलने वाला 13 अगस्त से, लेकिन केरला में बेंगलुरु में देखेंगे तो बेंगलुरु में 600 से ज्यादा जो बच्चे हैं कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं स्कूल खुलने से पहले। तो सीबीएसई के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी और हमारे लिए अभी चुनौती से निपटने कोई चांस ही नहीं दोस्तों। अभी आपको फोकस करना अपने पढ़ाई पर, सीबीएसई कुछ भी फैसला ले सकती है क्योंकि कुछ कहा नहीं जा सकता। तो प्लीज दोस्तों मेक श्योर आप अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए, ठीक है। एग्जाम कैसे आएगा, कैसे ज्यादा हार्ड आएगा टफ आएगा इसको छोड़ दीजिए, अगर आप ढंग से पढ़ाई करेंगे तो गारंटी एग्जाम जैसा भी आए आप अच्छे नंबर से पास होंगे। अपने ऊपर भरोसा रखिए और बस पढ़ाई करते रहिए। कम समय में पढ़ाई करना मुश्किल तो जरूर है, लेकिन अगर उस कम समय में आप सही से अपना शेड्यूल बनाएं और अपने सब्जेक्ट को अपने टॉपिक को क्लियर करते रहें तो आप गारंटी से अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं दोस्तों। बस यही मुझे इस वीडियो के माध्यम से कहना था दोस्तों। आज है स्वतंत्र दिवस और आज हम अपने स्वतंत्र दिवस की 25वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, और ये जो स्वतंत्रता दोस्तों हमें मिली है वो बहुत ही मुश्किलों के बाद मिली है। तो आप इस स्वतंत्रता को व्यर्थ जाने ना दें, आप अपने कर्तव्यों को लगातार पूरा करते रहिए, क्योंकि आप एक विद्यार्थी और एक विद्यार्थी का जो सबसे बड़ा कर्तव्य है वह है शिक्षा प्राप्त करना, पढ़ाई करना। यदि आप अपने कर्तव्य से विचलित होंगे दोस्तों उसका परिणाम बिल्कुल ही भुगतना पड़ेगा आपको। अधिकार की हम हमेशा बात करते हैं लेकिन कर्तव्य की बात बिल्कुल हम बिल्कुल करना छोड़ देते हैं दोस्तों। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं दोस्तों, अगर आप अपने कर्तव्य पर अडिग रहोगे तो अधिकार आपको अपने आप ही प्राप्त होते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबाना ना भूले दोस्तों। जय हिंद।